Good morning. Good to see you all. आप सबसे मिलकर आपको देखकर खुशी हुई. Today, yesterday we talked about how to live in the love of God and enjoy His love all the time. कल हमने ये सीखा कि किस तरह से हम खुदा की मोहब्बत में रह सकते हैं और उसमें कैसे लुत्फ़अंदोज हो सकते हैं. To live in the love of God gives us strength. और क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत में रहना ही हमारी कुवत है. Does it make you feel good when you know that you are loved by God? और इससे अच्छा महसूस होता है जब आप इस बात को जानते हैं कि आप खुदा से प्यार करते हैं या खुदा आपसे प्यार करता है. Do you? क्या आप खुदा से प्यार करते हैं? You feel strengthened. क्या आप अपने अंदर कुवत महसूस करते हैं खुदा की मोहब्बत से? Okay, very good. Now, so you know that God is full of love. और आप इस बात को जानते हैं कि खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है. Today I will talk about the distinction of the grace of God and the commandment of God. और आज हम खुदावंद के फजल को और खुदावंद के अहकाम को सीखेंगे. You know, God has two main natures. खुदा की दो फितरतें हैं. One is His love. और उसमें से पहली जो है वो मोहब्बत है. And the other one is His holiness and His justice. और दूसरी जो है वो उसकी पाकीज़गी है, उसका इंसाफ करना है. God is very holy. खुदा बहुत पाक है. And His standard is very high. और उसका जो म्यार है, दर्जा है, वो बहुत बुलंद है. You know, this applies to a relationship to God. और ये वो नकात हैं जिनसे हम खुदा से ताल्लुक रख सकते हैं. And also a relationship with people. और लोगों से भी. You know, many people use the law a lot when they grow up. Use the commandment. बहुत सारे लोग जो हैं वो अहकाम को इस्तेमाल करते हैं जब वो बढ़ते हैं. For instance, people talk to people and say, "Why didn't you wash the dishes? Why didn't you wash?" और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं हमें ये बर्तन किस तरह से धोने चाहिए, सिखाया जाता है. You didn't do a good job. और वो ये कहते हैं तुमने अच्छा काम नहीं किया. You're not good. तू सही नहीं है. Have you heard that kind of words all the time? और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हर वक्त हम सुनते हैं. People tell you you are not doing well. और लोग यही कहते हैं हमेशा कि तू ठीक नहीं है, तू सही काम नहीं करता. These are basically words of the law. और हकीकत में ये शरीयत या कानून के अल्फाज हैं या इसकी वो गेंद कम करते हैं. Most people grow up with the words of the law. और ये जो लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं, ये शरीयत में आगे बढ़ते हैं. Say you're not doing well. तू सही नहीं कर रहा है. You're not diligent. और तू मस्बी नहीं है. You do not obey me. और तू मेरी ताबेदारी नहीं करता है. So when we grow up, very often we have guilt feeling. और जब हम बढ़ते हैं तो हम अपने अंदर शर्मिंदगी को महसूस करते हैं. And feel that people don't like us. और फिर हम ये महसूस करते हैं कि लोग तो मुझे अच्छा नहीं समझते. And it affects our relationship with people. और इस वजह से हमारा जो ताल्लुक या रिश्ता लोगों के साथ है वो असरअंदाज होता है. Now think about your husband and wife or children or parents. और आप अपनी बीवी के मतलब या शोहर के मतलब, माँ बाप या बच्चों के मतलब सोचें. Today, most of the time, say you're not doing well. क्या हर वक्त आपको ये सुनना पड़ता है कि तू ठीक नहीं कर रहा? Or do they say you are doing well? या आप ये सुनते हैं कि नहीं तूने बहुत अच्छा काम किया? I'm so happy to have you. और मैं बड़ा खुश हूँ कि तू मेरे पास है. Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ. People say to you, you're not doing well. More, or do people say you're good? More. लोग आपसे क्या कहते हैं ज्यादा कि तू सही काम नहीं कर रहा, ये ज्यादा कहते हैं या ये कहते हैं कि तू बहुत अच्छा काम कर रहा? Which one do you hear more? आप इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सुनते हैं? Mostly now, if mostly हम यही सुनते हैं. Now, if people say you're not doing well, लोग ज्यादातर यही कहेंगे कि नहीं तू सही काम नहीं कर. They say this more. Raise your hand. जो ये सुनते हैं वो अपने हाथ जरा खड़े करें. Now if people say you're doing well, और जब लोग ये कहते हैं कि तू बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, raise your hand. वो जरा अपने हाथ खड़े करें जो ये सुनते हैं. Not too many, right?
Now, let me tell you, this happens in a relationship with people. ये जो कुछ होता है हमारे दरमियान जब लोगों के साथ हमारा रिश्ता है and also with God. और ऐसे ही खुदा के साथ भी होता है Many people think God will say to them, "You're not a good Christian." बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा ये नहीं कह रहा कि नहीं नहीं तू सही मसीही नहीं है You're not doing well. तू सही काम नहीं कर रहा है Instead of hearing God saying, "I love you." लेकिन वो ये सुनता वो सुनना पसंद नहीं करते कि खुदा ये कहता है मैं तुझे प्यार करता हूँ You are important. तू मेरे लिए खास है So we'll start with our relationship with God. और हम इसको खुदा के साथ जो हमारा रिलेशन है ताल्लुक है उसको इससे शुरू कर सकते हैं And then apply to our relationship with people. और फिर उसके बाद हम वही रिश्ता लोगों के साथ भी बहाल कर सकते हैं To help us understand why so many people don't have strength from God. और इसीलिए हमें ये समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि क्यों हम खुदा से दूर हैं और उसकी कुवत को हासिल नहीं कर रहे And also understand why relationship with people is so difficult. और लोगों के साथ ताल्लुक रखना क्यों मुश्किल है So it's very important to distinguish gospel, grace of God and the law of God. और इस बात को समझना जरूरी है कि खुदा की शरीयत और खुदा की खुदा का फजल ओके नाउ आई फर्स्ट वांट टू से व्हेन गॉड लुक्स एट पीपल सबसे पहले ये कि जब खुदा लोगों को देखता है गॉड सीज आवर सिंस खुदा हमारे गुनाहों को देखता है गॉड सीज दैट वी आर नॉट गुड इनफ और खुदा ये देखता है कि हम अच्छे नहीं हैं देयर इज नो वन गुड इनफ और हम में से कोई भी काबिल नहीं है If God just looked at people with the law, He would just see the sins of people. अगर खुदा इंसानों की अदालत जो है वो शरीयत से करे, तो हम सब गुनाह से भरे हुए हैं। But God also has strong love for people. लेकिन खुदा जो है, उसके अंदर मोहब्बत है। When He looks at you with love. जब वो आपको देखते हैं, वो मोहब्बत से आपको देखता है। Like when the prodigal son came home. और ऐसे ही कि जैसे मुसर बेटा वापस अपने घर आया the father did not say, Where did the money go? ओ, बाप ने ये नहीं पूछा कि रुपया पैसा कहाँ पर है the father did not say that. The father saw the son was very happy. और बाप ने जब बेटे को देखा तो वो बहुत खुश हुआ and he ran up to the son and hugged him and kissed him. और वो अपने बेटे की तरफ भागा और उसने उसको चूमा उसे गले लगाया Now, if you see a dirty person, अगर आप बहुत गंदा सा बुरा सा इंसान देखते हैं, do you want to hug the person and kiss the person? क्या उस आदमी को उस बंदे को अपने गले लगाकर उसको चूमेंगे? Most people don't like dirty people, right? बहुत सारे लोग जो हैं वो गंदे लोगों को पसंद नहीं करते। गंदे से मराठ हालत जो खराब होती है, गंदे कपड़े पहनने से। When God looks at us, He sees our dirt, our sin. जब खुदा हमारी तरफ निगाह करता है, तो वो उसे भी हमारे गुनाह, हमारी खताएं नजर आती हैं। He doesn't like our sins. वो हमारे गुनाहों को पसंद नहीं करता है। But He has strong love for you. लेकिन उसकी मोहब्बत जो है, वो ज्यादा है उससे बढ़कर। Although we're not doing well, और हम में से वो लोग जो बेहतर काम नहीं कर रहे, He still really in the heart loves us. लेकिन वो अपने दिल में फिर भी उससे मोहब्बत रखता है। He comes to hug us and kiss us. वो हमारे पास आता है, हमें गले लगाता है, हमें चूमता है। That is how God is. और यही तो वो खुदा है। So when we come to God, it's very important for us to understand God's love. और जब हम खुदा के पास आते हैं, तो ये बड़ी अहम बात है कि हम उसकी मोहब्बत को जानें। God's love is this: while we were sinners, Jesus Christ died for us. खुदा की मोहब्बत हमारे लिए ये है कि जब हम गुनाहगार भी थे, तो मसीह हमारी खातिर मुआ। And He was He's behind us and in front of us and behind us and He's laid His hand on us. और वो उसने हमें आगे और पीछे से घेरा हुआ है और उसने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया हुआ है। And the Holy Spirit works in our heart to draw us to Him. और जो पाक रूह है वो हमें खींच कर उसके पास लाता है। And when we're not doing well, when we confess our sins, He will sure, for sure He will forgive us. और फिर जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो हमें अपनी मोहब्बत से मामूर करता है। And He continues to give us strength. और वो फिर अपनी जो कुवत है, उससे हमें मामूर कर देता है।
I use one example. I know one Christian who was a weak Christian. मैं एक मिसाल यहाँ पर आपको देना चाहूँगा. मैं ऐसे मसीही को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था. One time he was walking on the street and he was lightly hit by a car. और एक मर्तबा वो सड़क पर जा रहा था तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी. The hit was very light. जो कार की टक्कर थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस आहिस्ता से. But she fell to the ground. Now, she did not, the hitting did not hurt her. The falling down hurt her. The falling down on the ground. जब कार ने उसे टक्कर मारी तो उससे से कोई चोट ना लगी, लेकिन उस टक्कर की वजह से वो गिर गई और गिरने के सबब से जख्मी हो गई. At that time, she was not praying. और ये वो वक्त था कि जब वो दुआ उसने ना की. But when she fell down, she felt the presence of God coming to comfort her. लेकिन जब वो गिरी है तो उसने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया और उसने अपने दिल में सुकून और इत्मीनान को महसूस किया. And she said, "This is comforting." और उसने कहा कि इससे मुझे इत्मीनान मिल रहा है. Before she prayed, she felt the presence of God to touch her heart. इससे पहले कि वो दुआ करती, वो खुदा की हजूरी से मामूर हो गई और खुदा की हजूरी ने उसके दिल को छुआ. Now, very often when we have sinned, बहुत मर्तबा जब हम गुनाह करते हैं, we feel bad about the sins. हम गुनाह के मुतालिक बुरा महसूस करते हैं. But when we come to God, God will comfort our heart. लेकिन जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा हमारे दिलों को इत्मीनान बख्शता है. He will move in our heart to move us to repentance. वो जुम्बश में आ जाता है और हमें झंझोड़ता है ताकि हम तौबा कर लें. When we have sinned, जब हम गुनाह करते हैं, God did not eat you up. खुदा हमें मारता नहीं. He did not say, "Why are you like that?" और ये नहीं कहता प्रेसिडेंट सुकर दे. वो ये नहीं कहता है कि तूने ये क्यों किया है. But instead, he will move in your heart to change your heart. लेकिन वो हमारे दिलों में जुम्बश करता है ताकि हम तब्दील हो जाएं. Have you noticed that when you क्या pray? क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया? God move in your heart to bring you to repentance. खुदा हमारे दिलों में जुम्बश करता है ताकि हम तौबा करें. And also many sinners before they become a Christian, when they heard the word of God moved in their heart. और बहुत सारे गुनाहगारों के साथ ऐसा होता है कि जब वो खुदा के कलाम को सुनते हैं तो वो महसूस करते हैं कि खुदा के कलाम ने मेरे दिल में जुम्बश की है. God did not say you're so bad, you are no good. और खुदा कभी भी ये नहीं कहता तू बहुत गलत है, तू बहुत बुरा है. God move in their heart to say, I love you, I care about you. खुदा यही कहेगा कि मैं तेरी जिंदगी में जुम्बश करता हूँ, मैं तेरी फिक्र करता हूँ. To draw them to believe in Jesus. और फिर खुदा हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम यीशु मसीह के पास आ जाएं. Have you experienced this? क्या आपने ऐसा तजुर्बा किया है? That God moves in your heart to comfort you, to draw you back to Him. खुदा आपकी जिंदगी में आपके दिल में जुम्बश करता है कि आप वापस मुड़ आए, आप वापस अपनी जगह पर आ जाए. क्या कभी आपने ऐसा तजुर्बा किया अपनी जिंदगी में? Raise your hand. अपने हाथों को उठाए. Do you see how loving God is? और क्या आपने इस बात को देखा कि खुदा कितना मोहब्बत से भरा हुआ है? But let me tell you, the Bible also has the word of the law. लेकिन इसके साथ साथ बाइबल के अंदर शरीयत भी मौजूद है. The law tells us what to do. शरीयत हमें ये सिखाती है कि हमें क्या करना है. Tell us to have a close, you know, to have a close relationship with God. सिखाती है कि खुदा के साथ कितना गहरा ताल्लुक होना चाहिए. To pray to God and read the Bible. दुआ करनी चाहिए, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहिए. To obey Him. उसकी ताबेदारी करनी चाहिए. And to bring people to Jesus. और दुआ करें कि लोग यीशु के पास आ जाएं. So the Bible tells us what to do. और बाइबल हमें बताती है कि हमें क्या करना है. The Bible also has warning. और इसके साथ वार्निंग भी दी जाती है, खबरदार भी किया जाता है. If you are lukewarm, you know, to the church in Laodicea, you are lukewarm, I want to spit you out from my mouth. और अगर कोई ऐसा काम हो जाए कि मुंह पर थूक आ जाए. And also that Jesus said in the seven letters, if you don't repent, I will remove your lampstand, I'll remove your church. और सात कलीसियाओं को लिखते हुए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा. And if the branch doesn't bear fruit, it will be cut off. और अगर जो डाली है वो फल नहीं लाती
तो मैं उसे काट दूंगा. Now these are words of warning. और ये खबरदार किया गया है. But these words of warning are intended for people who don't repent. और ये उन लोगों के लिए है जो तौबा नहीं करते. If you repent and follow God, God will not say, "I'll cut you off." और अगर आप तौबा करते हैं, if you repent and ask God to help you, और God अगर आप तौबा करते हैं और खुदा से ये कहते हैं कि मेरी मदद कर, खुदा कभी आपको नहीं काटेगा. God says, "I will cut you off if people don't repent." और खुदा ये कहते हैं कि अगर लोग तौबा नहीं करते तो मैं उनको काट डालूँगा. So that is what it says to lukewarm Christians. और ऐसे लोग हैं जो बाहर फेंके जाते हैं. Or Christians who, you know, who live in sin and don't pray to God. और ऐसे लोग जो गुनाह में रहते हैं और खुदा से दुआ नहीं करते. Now we have to distinguish this use of the law. और ये वो चीजें हैं जिनसे हम शरीयत को जान सकते हैं. The law tells us what to do. और शरीयत हमें बताती है कि हमने क्या करना है. Tell us, you know, to love God, love people. खुदा से मोहब्बत रखो, लोगों से मोहब्बत रखो, ये हमें सिखाती है हमें. The law also gives us warning. और शरीयत हमें खबरदार भी करती है. If you don't repent, what will happen to you? और अगर तू तौबा नहीं करेगा तो तेरे साथ क्या होगा. The law also declares the punishment of God. और शरीयत जो है वो खुदा की अदालत और उसकी सजा जो है वो भी हमें सिखाती है. But the punishment of God is only to people who don't repent. लेकिन सजा सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो तौबा नहीं करते हैं. Like to the Israelites in the Old Testament. और जैसे कि पुराने अहदनामे में इसराइल है. God to said to them, "I will punish you. I will, you know, you will lose your nation." खुदा बार-बार ये कहता है कि मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम अपनी हालत को खो दोगे. That you lose your nation. और इस कौम को तुम घुमा दोगे. You'll be scattered to the nations. और मैं तुम्हें तितर-बितर कर दूंगा, बिखेर दूंगा दूसरी कौमों में. That is only because they don't repent. और ये सिर्फ उस वक्त होगा जब वो तौबा नहीं करते. So we have to distinguish. God loves all those who follow Him. और खुदा उनसे प्यार करता है जो उसकी प्यार भी करते हैं. God doesn't say, "I will punish you." खुदा कभी भी ये नहीं कहता कि मैं तुझे सजा दूंगा. When you follow Him, He says, "I will bless you." और जब हम उसकी पैरवी करते हैं तो खुदा हमेशा ये कहता है, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे संभालूंगा. Now sometimes we do sin. और बाज़ुकात हम गुनाह करते हैं. When we sin and we repent and say, "Lord, please forgive me and help me." जब हम गुनाह करते हैं, खुदा से ये कहते हैं, खुदा मेरी मदद कर. God will for sure forgive you. और खुदा हकीकत में आपको माफ करेगा. So we have to realize that sins are very destructive. और हमें इस बात को जानना है कि गुनाह जो है ये हमें खुदा से जुदा करने वाला है. That if we follow our lustful flesh, for sure we'll reap destruction. और जब हम अपने जिस्मानी कामों की ताबेदारी करते हैं, प्यार भी करते हैं, तो तबाही शुरू हो जाती है. But if a person says to God, "Lord, please forgive me." लेकिन अगर वो शख्स ये कहता है, खुदा मेहरबानी करके मुझे माफ कर दे. And when he follow God. और वो खुदा की प्यार भी करता है. And the Bible says, when one sinner repents, God is very happy. और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब इस ज़मीन पर एक गुनाहगार तौबा करता है, तो खुदा खुश होता है. But I tell you, I have met many Christians. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे मसीहियों से मिला. They always say. वो हमेशा ये कहते हैं. You know, they use the law on themselves. और वो अपनी मर्जी से शरीयत को इस्तेमाल करते हैं. They will use verses like God is consuming fire. और वो ये कहते हैं कि खुदा आग है, जलती हुई आग है. Now God is consuming fire is for punishment. और खुदा की जो आग है वो अदालत के लिए है, सजा देने के लिए है. And some Christian will say, "Well, God will not hear me because I have sinned." और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, खुदा ने मेरी दुआ को नहीं सुना क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ. Because they have grown up in punishment. क्योंकि वो हमेशा सजा के मुतालिक सोचते हैं. The people around them always punish them. और क्योंकि जो लोग जिन लोगों के दरमियान को रह रहे हैं वो हमेशा उनको सजावार और कसूरवार रहते हैं. So when they read the Bible. और जब वो बाइबल को उसको पढ़ते हैं. They don't see the love of God. वो खुदा की मोहब्बत को नहीं देखते. They only see the punishment and a warning of God. और वो सिर्फ सजाएं और खुदा ने जिन कामों से मना किया है उनको देखते हैं. And they will always say, "I'm no good. God doesn't like me." और वो हमेशा ये कहेंगे कि मैं सही नहीं हूँ, खुदा मुझसे प्यार नहीं करता है. I'm too weak. I cannot do anything. मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता.
And then the more they see the law, the more they will have no, the more they will lose strength. और जितना वो शरीयत को देखते हैं, उतना ही वो अपनी ताकत को खो देते हैं. Let me ask you. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ. Do you always feed yourself with the love of God, or feed yourself with the law of God? क्या आप हमेशा अपने आप को खुदा की मोहब्बत से भरते हैं, या खुदा की शरीयत से भरते हैं? Do you always say, I'm not doing well, I'm not doing well? क्या आप हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं मैंने कभी काम ठीक नहीं किया, मैं ठीक हो ही नहीं सकता? God doesn't like me. और खुदा मुझसे प्यार नहीं करता, खुदा मुझे पसंद नहीं करता. Or do you say, when I sin, I repent, God will forgive me? या हम ऐसा करते हैं कि जब मैं गुनाहगार था, मैंने तौबा की और खुदा ने मुझे माफ कर दिया. And I don't want to make God unhappy. और मैं अब खुदा को नाखुश नहीं करना चाहता. I want to have a close relationship with God. मैं चाहता हूँ कि खुदा के साथ मेरा एक बाहमी ताल्लुक हो. I want to obey God. मैं खुदा की ताबेदारी करना चाहता हूँ. And love God. और खुदा से मोहब्बत करना चाहता हूँ. It's good to follow God. और ये बेहतर है, अच्छा है कि मैं खुदा की ताबेदारी करूँ. Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ. Do you always very often put guilt in your hearts? क्या आप अपने दिल के अंदर हमेशा अपने आप को मुजरिम ठहराते हैं? And say, oh, I'm no good. Oh, खुदा मैं ठीक नहीं हूँ. God doesn't like me. खुदा मुझे पसंद नहीं करता है. I am weak. मैं कमजोर हूँ. I have no strength. मेरे अंदर ताकत नहीं है. Do you put the law in your heart like that? क्या इस तरह से शरीयत को आप अपने अंदर रखते हैं? And do you feel guilty and weak? अपने अंदर आप शर्मिंदगी को महसूस करते हैं और आप कमजोर महसूस करते हैं अपने आप को? Let me tell you, many Christians came to talk to me, ask me questions. बहुत सारे मसीही जो हैं, वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे सवाल करते हैं. Most of the Christians say this to me. बहुत सारे मसीही मुझे ये कहते हैं. Oh, I have sinned. मैंने गुनाह किया. I did not pray much. मैं ज़्यादा दुआ नहीं कर सका. I'm weak. मैं कमजोर. I cannot do anything for God. और मैं खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता. Most Christians who came to me talk like that. और बहुत सारे मसीही इसी तरह आकर मेरे से बात करते हैं. And what do I say to them? और मैं उनसे क्या कहता हूँ? I say, if you have sinned. मैं ये कहता हूँ, अगर आपने गुनाह किया है. There many, you know, all people have sinned. All Christians have sinned. और मैं उनसे ये कहता हूँ कि सब ने गुनाह किया, तमाम मसीही जो है वो गुनाह करते हैं. You know, when people come to God and say, I have sinned, and then God gave me this word. जब लोग खुदा के पास आते हैं, ये कहते हैं कि मैंने गुनाह किया, तो खुदा मुझे ये कलाम देता है. You have sinned, but everyone else has sinned too. You have sinned. गुनाह किया है, लेकिन उन सब ने तेरा गुनाह नहीं किया है. If you repent and come to me for forgiveness, अगर तूने गुनाह किया और मेरे पास आया माफी के लिए, there will be joy in heaven. और आसमान पर बड़ी खुशी हुई. God and the angels will be very happy. और खुदा और उसके फरिश्ते जो हैं, वे जश्न मनाते हैं, खुश होते हैं. You don't have to stay and say, oh, I have sinned. God doesn't forgive me. Oh, मैंने गुनाह किया, खुदा ने मुझे माफ नहीं किया है. इस तरह से नहीं कहते. And also some people say, I haven't prayed much. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं ज़्यादा दुआ ना कर सका. And then I tell them, when you haven't prayed much, you just pray now. Oh, बहुत सारे ये कहते हैं कि क्या तू मेरे लिए अभी दुआ कर सकता है? But some people say, God will not hear me because I am weak, I am sinful. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि खुदा मेरी दुआ नहीं सुनेगा क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ, मैं कमजोर. Because they think of God as a like a judge, a judge, a punisher. और बहुत सारे लोग जो हैं, वो खुदा के मुतल्लिक ये सोचते हैं कि खुदा तो सिर्फ अदालत करने वाला है, खुदा ने अपने हाथ में कोई चीज पकड़ी और वो सिर्फ मार रहा है, सजा दे रहा है. So the judge will always say to you, you're no good, you're no good, you're no good. कलीसिया भी हमेशा यही कहते रहते हैं, तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं है, तू ठीक नहीं. But you know, when you come to God and say, Lord, I need your help. लेकिन जब आप खुदा के पास आते हैं और आप ये कहते हैं कि खुदा मुझे तेरी जरूरत है. God is very happy. खुदा बहुत खुश होता है. God will not say you're no good. और खुदा कभी भी ये नहीं कहेगा कि तू ठीक नहीं है. You know, there's so many Christians who feel I'm weak. बहुत सारे मसीह महसूस करते हैं कि मैं कमजोर हूँ. When you feel weak, all you say is, I trust in God, I'll be strong. जब आप कमजोर होते हैं, तो ये वो लम्हा है जब आप खुदा पर भरोसा रखें ताकि आप कुवतमंद हो जाएं. You know, God has chosen the weak to shame the strong. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा ने कमजोरों को चुन लिया ताकि ताकतवरों को शर्मिंदा कर सके. And God has chosen the
to shame the wise. खुदा ने बेवकूफों को चुन लिया ताकि हिकमत वालों को शर्मिंदा करे. So when you're weak, you say, Lord, I'm weak. Please help me. जब आप कमजोर होते हैं तो खुदा से कहें, खुदा मैं कमजोर हूँ, मेरी मदद कर. God for sure will accept you and bless you and give you strength. खुदा आपको कबूल करेगा, आपको बरकत देगा, आपको कुवत देगा. Why do so many people feel guilty and weak in front of God? बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदा के सामने अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, कुछ लोग ठहराते हैं. It came from all the words of people that they heard from people. हकीकत में ये तमाम जो अल्फाज हैं जो वो लोगों से सुनते हैं. Because people say you are no good, you are no good. क्योंकि लोग हमेशा उनके बाबत ये कहते हैं, तू ठीक नहीं है, तू सही नहीं कर रहा. You don't obey. तूने ताबेदारी नहीं की है. You are foolish. तू बेवकूफ है. You can do nothing good. तू कुछ भी नहीं कर सकता है. Sometimes people talk like that to people. और बहुत मतलब लोग इसी तरह से बातें करते हैं. To cut down people. वो कोशिश करते हैं कि लोगों को नीचे गिरा दें. God doesn't speak like that. लेकिन खुदा इस तरह से नहीं करता. God accepts that we are weak. और जब हम कमजोर होते हैं खुदा हमें कबूल करता है. He always say, "Come to me, I'll lift you up." और हमेशा खुदा ये कहते हैं, तू मेरे पास आ, मैं तुझे सर बुलंद करूंगा. Can you say this with me? क्या आप मेरे साथ ये कह सकते हैं? God doesn't cut us down. खुदा कभी भी हमें नीचे नहीं गिराता. When I come to Him in repentance. जब हम उसके पास आते हैं और तौबा करते हैं. He will for sure forgive me. वो मुझे यकीनन देगा. When we are weak, जब हम कमजोर होते हैं. When we come to God for strength, और जब हम खुदा के पास आते हैं वो हमें कुवत देता है. He will give us strength. वो हमें कुवत देगा. आमीन. So can you have this thinking in your heart, to believe in your heart that God always lifts us up? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं और इस बात के मुताबिक सोच सकते हैं कि खुदा हमेशा हमें सरफराज करता है? Does the Bible tell us that? क्या खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है? Does the Bible always tell us that? क्या बाइबल हमेशा हमें ये नहीं सिखाती? But people's word are very often, you're no good, you're not doing good, right? लेकिन लोगों के अल्फाज जो आपके मुतालिक हैं, वो हमेशा यही होंगे, तू ठीक नहीं है, तू सही काम नहीं कर रहा. That's why we have a lot of negative thinking in our hearts. इसीलिए हमारे जहन में, हमारे दिल में हमेशा मनफी ख्याल रहते हैं. Because the people around us are like judges, so we think. क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो एक जज की तरह हैं. So we think God is always like a judge to us. और हम इसीलिए सोचते हैं कि खुदा हमेशा मेरी अदालत करता रहता है, मुझे आजमाता रहता है. Jesus said, I did not come to condemn the world. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं हुकूमत करने के लिए, अदालत करने के लिए इस दुनिया में नहीं आया. I come that they can have eternal life. मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. God came to lift us up. खुदा हमारे दरमियान उतर आया ताकि हम जिंदगी पाए. So I encourage you to have this prayer of grace every day. और ये इस तरह की दुआ हमें करनी है ताकि हम हर रोज फसल से मामूर हों. That you declare the blessings of God. जब आप खुदाओं की उन बरकात को आप बयान करते हैं. The blessings of God will be God doing good things to us from heaven. और खुदा की जो बरकात है वो हमारे ऊपर नाज़िल होगी. Now you can say after the bishop when I say, for instance, मेरे पीछे ये कह सकते हैं. You can say every morning. हर रोज हर सुबह आप ऐसे कह सकते हैं. Thank God you are loving me. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है. Thank God that you see that I'm important. Oh, thank God you want to bless me. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुझे बरकत देना चाहता है. Thank God you want to give me strength. Oh, खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे जोर दिया है. Thank God you have a wonderful plan in my life. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने एक बेहतरीन मंसूबा मेरी जिंदगी में रखा है.
Thank God you want to help me through difficult times. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुश्किल हालात में भी मुश्किल वक्त में भी मेरी मदद करता है. So these are words of grace we can declare many times a day. फजल के अल्फाज हैं, फजल के कलाम हैं, कलाम है जो हम हर रोज इनको रिपीट कर सकते हैं. But sometimes our mind will say this to you. लेकिन बाज़ हमारा जो ज़हन है वो हमें ये कहता है. The mind might say you're no good. हो सकता है कि आपका ज़हन आपको ये कहता है, नहीं नहीं तू ठीक नहीं. Immediately you say I'm no good, but when I repent, God forgives me. लेकिन हो सकता है कि हम वाकई ठीक ना हो, लेकिन जब हम तौबा करते हैं तो खुदा हमें कबूल करता है. When sometimes your mind say you are too weak. आपका ज़हन बाज़ आपसे ये कहता होगा कि तू बहुत कमजोर है. Then you say, I'm weak, but God will give me strength. आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं कमजोर हूँ, लेकिन खुदा मेरा जोर है. Sometimes our mind will say, nobody likes you. आपका ज़हन आपसे ये कहेगा कि कोई भी तुझे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता. And then you say, God likes me. लेकिन आप ये कह सकते हैं, खुदा मुझे पसंद करता है. And godly people likes me. और खुदा खुदा के लोग मुझे पसंद करते हैं. So whenever your mind has negative thinking. और जब आपका ज़हन जो है वो मनफी ख्यालात और सोच रखता है. Immediately replace it with words of grace. फौरन आप फसल के जो अल्फाज हैं, फसल का जो कलाम है, उनको रिपीट करना शुरू कर दें. Now when you have the words of grace, the grace of God, then you want to obey God. और जब आपके पास ये फसल का कलाम होगा, ये अल्फाज होंगे, तो फिर आप खुदा के और नजदीक हो जाएंगे. Then you want to say, because God loves me, I want to love God. और फिर आप ये कहेंगे, क्योंकि खुदा मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं भी खुदा से प्यार करूंगा. I thank God for everything. मैं हर रोज खुदा का शुक्रिया अदा करूंगा. I worship God. खुदा की स्तुति करूंगा. I obey God. खुदा की ताबेदारी करूंगा. I love God. मैं खुदा से मोहब्बत रखूंगा. That way you feel good. और फिर आप अपने अंदर अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे. Because you are motivated by the love of God. क्योंकि आप खुदा की मोहब्बत के वसीला से मोटिवेटेड हो गए हैं. To obey. ताकि आप उसकी ताबेदारी कर सकें. But remember this. Use of the law is to tell us what to do. और ये जो शरीयत है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है. We should follow the law and say, I love God and love people. और इस बात की ख्वाहिश रखें कि मैं खुदा से मोहब्बत रखूंगा और खुदा के लोगों से मोहब्बत रखूंगा. But we should not use the law like this. Some people. लेकिन हम शरीयत को इस तरह से कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. कुछ लोग ऐसे करते हैं. Some people use the law like this. You're no good. और बहुत सारे लोग जो है वो मारना चाहते हैं, सजा देना चाहते हैं. तू ठीक नहीं है. God will punish you. खुदा तुझे सजा देगा. You have no love. तू मोहब्बत के लायक ही नहीं है. You don't pray. तू दुआ नहीं करता है. Those are words of condemnation. और ये जो है अल्फाज जो है, ये किसी को गिरा देने के अल्फाज है, उसको नाकाम कर देने के अल्फाज है. Accusation. और उसकी नाकामी का बाइस. Do you understand the difference? क्या आपने इस जो इसके अंदर डिफरेंस है उसको देखा, जाना आपने? We should say, thank God you love me, so I love you. हमें ये कहना चाहिए, खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू मुझे प्यार करता है, मैं तुझे प्यार करता हूँ. God loves me, so I love people. खुदा मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं लोगों से प्यार करता हूँ. God loves me, so I serve God. खुदा मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं खुदा की खिदमत करूँगा. So those are positive ways to follow the law of God. और ये वो मुस्बत तरीके हैं जिनसे हम खुदा की ताबेदारी कर सकते हैं. And we should not use words like this. You did not obey God. और हमें कभी भी ये अल्फाज इस तरह से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि तूने खुदा की ताबेदारी नहीं की है. These are words of condemnation. ये नकामी के अल्फाज हैं, गिरा देने वाले अल्फाज हैं. We should not say you did not pray. उसको ये बार बार ना कहें कि नहीं, तूने दुआ नहीं की थी. When you don't pray and then you say, Lord, I haven't prayed. Please help me to pray to you. और जब आप दुआ नहीं कर पाते हैं और आप खुदा से ये कहते हैं, खुदा मैं दुआ नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर. This, there's a big difference between this, you know, between saying, yes, I obey God, or saying, you don't obey God. There's a big, big difference. और इसमें बहुत ज़्यादा मुतज़ाद है, फर्क पाया जाता है कि हाँ, मैं खुदा से दुआ नहीं करता हूँ, या मैंने खुदा से दुआ नहीं की है, तू ऐसा काम कर भी नहीं सकता. The reason why so many Christians has no strength because they always say to themselves. इसलिए तो बहुत सारे मसीह जो हैं उनके अंदर जोर नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं.
I did not pray. मैंने दुआ नहीं की है. I'm not good. मैं ठीक नहीं हूँ. I can do nothing good. मैं कुछ भी नहीं सही कर सकता. They say this nagging voice to themselves. और ये मनफी ख्यालात और मनफी बातें उनके ज़हन में आती रहती हैं. Instead, we should say God loves me. इसकी बजाय हमें इस तरह से कहना चाहिए कि खुदा मुझसे प्यार करता है. So I obey God. ताकि मैं खुदा की ताबेदारी कर सकूँ. Now the next step I will go to apply to. How we talk with people. और इससे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें लोगों से बातचीत कैसे करनी चाहिए. But before we go there, I want to see if you understand what I just said. और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने इस बात को समझा या नहीं समझा. Now, let's. सारे अंदर तो नहीं आ रही. A few concepts. Grace is what God does to bless us. That's grace. खुदा फसल के वसीला से हमें बरकत देता है. And then the law tells us what to do. और शरीयत हमें ये सिखाती है हमें क्या करना है. The law also condemns. और जो शरीयत है वो हमेशा हमें सजावार ठहराती है. So these three, I want to ask you. When I say something like, for instance, you tell me which, whether it's grace or tell me what to do or it's condemnation. So the three you have to distinguish. तीन अल्फाज कहे हैं और मैं कुछ बोलूंगा और आपने मुझे ये बताना है कि ये फसल की बात है, शरीयत की बात है या कंडमनेशन, यानी कि उसको खत्म कर देने की, कैंसिल कर देने की है. So when I say a sentence, you respond to the bishop and say, this is whether it's grace. मैं पूरी ला देना था. Is grace or to obey God or condemnation? Okay. और जब मैं कहूंगा तो आपने ये बताना है कि ये फसल की बात है, बाजी उठा दो, सो दीजिए. ये फसल की बात है या शरीयत की बात है या ये उसको कैंसिल करने की कंडमनेशन की बात है. ओके, सारे दानों तक जाते हैं. ओके, गॉड लव्स मी. खुदा मुझसे प्यार करता है. व्हाट इज इट? ये क्या है? प्रेज. ओके, गुड. फसल, प्रेज. आई वांट टू लव गॉड. मैं खुदा से प्यार करना चाहता हूँ. आई वांट टू लव गॉड. मैं खुदा से प्यार करना चाहता हूँ. What is that? Fasal. Yes. Grace. No. No. I want to love God. It's from me to God. It's obey. ये obey है. ताबेदारी. It's what I do. I want to love God. मैं खुदा से प्यार करना चाहता हूँ. ताबेदारी करना चाहता हूँ. खुदा. क्या है? You understand? शरीयत. You understand, right? Okay. The other one, you did not love God. तूने खुदा से प्यार नहीं किया. What is that? Law. That's law. Not just law. It's the two uses of the law. Yeah, one use of the law is tell us what to do. और एक जो शरीयत का इस्तेमाल है वो ये है कि तुझे क्या करना चाहिए. And the other one is condemnation. और दूसरा जो है कि उसकी सजा. Okay. So you did not love God. What is that? तूने खुदा से प्यार नहीं किया, ये क्या है? You did not love God. What is that? That's condemnation. Condemn. You did not do it. It's accused. It's accused, right? You understand that? Okay. Now we do more. नहीं तर्जमा ठीक हो रहा है तो कुछ है. Okay. Now the three again. You repeat the three. Grace, obey, फसल, ताबेदारी, and then accuse of condemnation. और फिर उसके बाद किसी को तर्क कर देना या उसे सजा देना. Okay, now praise the Lord. What is that? खुदा की तारीफ हो, ये क्या है? Now, let me tell you how to distinguish. Grace is from God to us. ये खुदा की तरफ से है जो हम उसकी तारीफ करते हैं. God loves me. खुदा मुझसे प्यार करता है. God loves me. कहे जरा, खुदा मुझसे प्यार करता है. God helps me. खुदा मेरी मदद करता है. God wants to use me. खुदा मुझे इस्तेमाल करना चाहता है. God has a wonderful plan in my life. खुदा के पास बेहतरीन मंसूबा है मेरी जिंदगी के लिए. This is all from God. ये तमाम खुदा की तरफ से है. And then my response to God, I love you. और फिर उसके बाद मेरा जो रिस्पॉन्स है वो ये, मैं तुझे प्यार करता हूँ. I praise the Lord. मैं खुदा की तारीफ करता हूँ. That's what I do, right?
That's obey. ये ताब्यदारी है. I obey God. मैं खुदा की ताब्यदारी करता हूँ. I love people. मैं लोगों से मोहब्बत रखता हूँ. Now all these are obey. और ये तमाम जो है ये फरमाबरदारी और ताब्यदारी. Okay. The third is acute accusation or condemnation. और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो यही है कि किसी को सजावार ठहराना, कसूरवार ठहराना. You did not do well. तूने सही काम नहीं किया. You are no good. तू ठीक नहीं है. You don't love people. तू लोगों से प्यार नहीं करता. You are disobedient. और तू नाफरमान है. God will punish you. खुदा तुझे सजा देगा. You will go to hell. और तू जहन्नम में जाएगा. Can you tell the difference? It's very important to tell the difference. ये बड़ी अहम बात है कि हमें इसके अंदर डिफरेंस का पता हो, फर्क का पता हो. Because some people will talk to the children like that. क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चों से इसी तरह बातें करते हैं. You are no good. तू ठीक नहीं है. You become a beggar. तू भिखारी बन गया. You will go to hell. तू जहन्नम में जाएगा. Sometimes he will talk to children like that. बहुत मर्तबा लोग अपने बच्चों से इस तरह से बातें करते हैं. Instead of using words of love. बजाय इसके कि वो मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल करें. Okay. You have to learn this difference. Okay. इस बात को सीखना जरूरी है. Okay. I'll ask you again. Praise the Lord. What is that? खुदा की तारीफ हो. ये क्या है? नहीं, ये फजल. Let's obey. ये फजल से क्या हो सकता है? Thank God. खुदा का शुक्र हो. ये क्या है? Thank God. What is that? मैं मूवी लाने को आसे ना नहीं करता. Okay, is that right? Huh? Okay. Thank God. What is it? खुदा का शुक्र. He said, "What God does to me, or what I do to God." जो कुछ खुदा ने मेरे साथ किया है, मैं उसके इब्ज़ ये काम कर रहा हूँ. तो ये क्या है? What I do to God is obey. जो कुछ भी मैं खुदा के लिए करता हूँ, ये ताब्यदारी. God loves you. खुदा आपसे मोहब्बत रखता है. What is it? ये क्या है? Very good. समझ लाओ कितना. शुक्र. God will not forgive you. खुदा तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा. What is that? Okay. God forgives you all. खुदा आप सबको माफ करेगा. Okay. Very good. God, please forgive me. खुदा मुझे माफ कर दे. That is obeying. You ask him God to forgive. खुदा से आप मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि खुदा मुझे माफ कर. God will not forgive you. खुदा मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा. What is that? Condemnation. Okay. Now, I want to make sure you know it. Let me tell you. When people say you're no good. जब लोग आपसे ये कहते हैं तू ठीक नहीं है. Do you feel good? बड़ा अच्छा महसूस होता है ना. Or people say you're not a good husband or not good, you're not a good wife. ना दे आके तू चंगा बंदा है गा ही नहीं. और ना दे आके तेरे वर्गी पहले मुझे भी नहीं लगी. Do you feel good? बड़ा अच्छा महसूस होता है. You don't like that, right? अपनी जबान से तर्जमा करना ज्यादा मजा. But sometimes I tell you, sometimes we say this to people. लेकिन बहुत मर्तबा हम ऐसे ही लोगों से कहते हैं. We say to the husband, you're no good. Sometimes we say to the husband, you're no good. Sometimes very easily people will say this to the husband or wife, you are no good. ये बहुत मर्तबा शोहर या बीवी एक दूसरे से ये कहते हैं, तू ठीक नहीं है, तू सही नहीं. Sometimes it's not with words. Sometimes with the eye, the look on the eyes. Bazuka alfaz kuch nahi hote hain, sirf hakarat ki nazar se dekha jata hai. It's the look say, I don't like you. Aaj tak padhaya hua bada hai is banda. What is that? This look, what is it? Ye kya hai? Is tarah se dekhte hain. Is it grace? Ya kya ye fazl hai? Is it grace? Kya ye fazl hai? What is it? Ye kya hai? Adalat hai. Isko Yeah, condemnation. So you understand this is very important. First, do you want to take condemnation from God? क्या खुदावंत की तरफ से अगर आपको तर्क कर दिया जाए तो क्या आप ऐसा पसंद करेंगे?
No, God doesn't want to condemn. Who accused the brothers day and night? Who accused the brothers day and night? जो अपने भाई पर दिन रात लानत करता है या उसकी बाबत ऐसे गलत मंसूबे बांधता है, कौन है? Who? कौन? Who accused the brothers day and night? दिन रात जो भाइयों पर इल्जाम लगाता है वो कौन है? चौधरी साहब. What did he say? The devil, yeah. Satan accused the brothers day and night. और जो अबलीस है वो दिन रात भाइयों पर इल्जाम लगाता. So don't serve Satan. Many people serve Satan and keep saying words of accusation to people. और बहुत सारे लोग जो हैं वो अबलीस की ताबेदारी करते हैं और वही अल्फाज जो है वो भाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं. They also say the words of accusation to themselves. और वो अपने लिए भी वही इल्जाम के जो अल्फाज है वो इस्तेमाल करते रहते हैं. For instance, someone who share a message might say, "Oh, I did not do so well." और जब वो कलाम भी सुन लेते हैं तो फिर भी ये कहते हैं, नहीं मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा. Have you shared a message and then you say, "Oh, today I didn't do so well"? और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कलाम को शेयर किया और उसके बाद आपने महसूस किया कि आज मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ? If you keep saying that to yourself, you're accusing yourself. या आप अपने आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप अपने आप को ही मुजरम ठहरा रहे हैं. Now, if we did not do so well, we can say, "Lord, please forgive me." और ज़रूरत इस बात की है कि जब हम अच्छा महसूस नहीं करते तो खुदा से ये कहें, खुदा मुझे माफ कर दे. Please help me to do better. खुदा मेरी मदद करता कि मैं इससे बेहतर काम कर सकूं. But don't say to ourselves and say, "You're no good." और कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि खुदा मैं ठीक नहीं हूँ. Why do I keep explaining this? क्या क्यों मैं इसको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ? I want you to use the words of grace to yourself. मैं ये चाहता हूँ कि आप फसल का जो कलाम है, फसल का जो अल्फाज है, वो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें. Because many Christians and even many pastors would say to themselves, "I'm not doing so well." क्योंकि बहुत सारे जो पासवान हैं, बहुत सारे जो मसीही हैं, वो ये हमेशा ये कहते हैं, मैं ठीक नहीं हूँ. And so they don't have much strength. और इसी वजह से उनका जो जोर है वो खत्म हो जाता है. Every day I say to myself. और हर रोज मैं अपने आप से ये कहता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. God loves me. खुदा मुझसे प्यार करता है. God is helping me. खुदा मेरी मदद करता है. God is happy with me. खुदा मेरे साथ खुश है. I'm going to bless more people. और मैं और लोगों को बरकत देना चाहता हूँ. God can use me to bless people. और खुदा मुझे इस्तेमाल करता है कि मैं दूसरे लोगों के लिए बरकत का सबब बनूँ. So I always use positive words from the Bible to encourage myself. और मैं हमेशा जो मुस्बत अल्फाज हैं कलाम खुदा में से वो अपने लिए इस्तेमाल करता रहता हूँ. I tell you, it's a fact that many Christians. और यही तो असरअंदाज बात है जो बहुत सारे मसीही करते हैं. Many Christians in their heart they will say, "Oh, I'm not doing so well." और बहुत सारे मसीही इस तरह से भी कहते हैं, "Oh, खुदा मैं ठीक नहीं." And so they feel guilty. वो अपने अंदर शर्मिंदगी को महसूस करते हैं. But I want to tell you, when you feel that you're not doing so well, you say, "Lord, please forgive me." लेकिन आप अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आप ये कहें कि खुदा मेरी मदद कर. Help me to do better. खुदा मेरी मदद कर कि मैं इससे बेहतर काम कर सकूं. By the help of God, I will do better next time. और खुदा मेरी मदद कर ताकि मैं इस अगले वक्त में इससे बेहतर काम कर सकूं. I can do better and better. खुदा मैं बेहतर से बेहतर काम कर सकूं. Do you understand the difference here? समझ लेंगे? Okay, let me still want to explain more. Ask you more. See if you understand this. This is very important. Okay? फिर आपका इम्तिहान होगा. मैं देखूंगा कि आपको समझ लगी है या नहीं. God loves you. What is that? खुदा आपसे प्यार करता है. ये क्या है? फसल. Okay. And then, thank God for your love. खुदा तेरी मोहब्बत के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ. Obedience. Obedience. Okay. Hallelujah. God doesn't love you. खुदा तुझसे प्यार नहीं करता. Yeah. So you don't want to use that, right? और मैं इधर आकर कभी भी इल्फाज इस्तेमाल ना करूँ. Okay. Now. Just to explain in my language. Okay. मैं कह रहा हूँ कभी भी ना तो और पाने कपड़े ले आके दे पाने ना ले आके दे कर दिया चीज़ें पूरी हो रहा हूँ वो सोने ही रहे हैं तो खुश रहो बेशक. So every day when you wake up, हर रोज जब सुबह उठते हैं, you say this, declare this, इसको बयान कर, इसका इजहार कर.
Okay, I'm going to declare and then ask them to follow you. Okay? मेरे पीछे आपने ये बोलना. Thank God you love me every day. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हर रोज मुझसे प्यार करता है. You're in front of me and behind me. तू मेरे आगे और पीछे है. You are laying your hands on me. तूने अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है. You help me in my difficulties. और मेरी मुश्किल में मेरी मदद करता है. You are happy that I serve you. You're happy that I serve you. जब मैं तेरी खिदमत करता हूँ तो तू मुझसे खुश होता है. You give me strength to serve you. तूने मुझे जोर दिया ताकि मैं तेरी खिदमत करूँ. So these are words of grace. ये फजल के अल्फाज. And then you can respond to God and obey. जब आप खुदावंद को इसका जवाब देते हैं, रिस्पांस करते हैं, तो ये ताबेदारी. And then we can say, thank God for everything. ओ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ हर एक चीज के लिए. Say. खुदावंद तेरा हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं अपने पूरे दिल से तुझसे मोहब्बत रखता हूँ. I want to bless people. मैं लोगों को बरकत देना चाहता हूँ. Today I can bless some people. और आज मैं कुछ लोगों को बरकत देना चाहता हूँ. I can be a joyful Christian. और मैं खुशी से मामूर एक मसीही होना चाहता हूँ. I can be filled with joy. मैं खुशी से मामूर होना चाहता हूँ. I can laugh, ha ha ha. ऐसी जानना चाहता हूँ कि मैं हंसना चाहता हूँ, मुस्कुराना चाहता हूँ. This is the reason. Ha ha ha, just. Yeah, it's say I can laugh. मैं हंस सकता हूँ. Every day if you laugh, you are happier. हर रोज अगर आप हंसते हैं तो आप खुश होंगे. तो मतलब बाकी खुशी को अधिक तो सभी करना है. चलो भी सब रहेंगे तो God says, the Bible says, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. खुदावंद की शादमानी, बाइबल ये फरमाती है, खुदावंद की शादमानी मेरी तूबत है. Should we rejoice in the Lord? क्या हमें खुदावंद बेखुश होना चाहिए? Should we smile? क्या हमें मुस्कुराना चाहिए? And laugh? और हंसना चाहिए? And have a happy face? और हमारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे? Hallelujah! Hallelujah! Is it wrong to ha ha ha? Is it wrong? क्या ये गलत है? हा 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 हा. Is it wrong? It's only used for the chat. No, it's good then. But then today. Ha 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 ha. लेकिन हकीकत में खुदावंद में खुश हूँ. और पौलुस रसूल कहता है, मैं फिर कहता हूँ कि खुश हूँ. हमें खुश रहना है. Okay. Now just now explain there's a prayer of grace. Prayer of grace. फसल की दुआ जो है उसको बयान करना चाहूँ. Prayer of grace is declaring the grace of God. यानी फसल की जो दुआ है ये खुदा का फसल हम पर जाहिर करती है. God is loving me. खुदा मुझसे प्यार करता है. God cares about me. खुदा मेरी फिक्र करता है. God has a wonderful plan in my life. खुदा के पास मेरी जिंदगी के लिए बेहतरीन मंसूबा है. That is prayer of grace. ये फसल की दुआ है. And that prayer of, you know, our worship and worship. और इसके बाद जो है वो प्रस्तुति की दुआ है. You say thank God. आप ये कहते हैं खुदा तेरा शुक्र हो. I love God.
मैं खुदा से प्यार करता हूँ। I worship God। मैं खुदा से खुदा की प्रस्तुति करता हूँ। I follow God। मैं खुदा की प्यार भी करता हूँ। I will love people। मैं लोगों से मोहब्बत रखूँगा। So this our response to obey God। ये हमारा रिस्पांस है कि हम खुदा की ताबेदारी करें। So every day in our prayer we should include the grace of God। हर रोज जब हम दुआ करते हैं तो खुदा के फजल को अपनी जिंदगी में महसूस करें। And then how we will obey God। और फिर हम कैसे खुदा की ताबेदारी करें? And respond to God's grace। और फिर खुदा के फजल के हम उसका रिस्पांस दे सकते हैं। When we respond to God's grace, we can be filled with joy। और जब हम खुदा के उस फजल का रिस्पांस देते हैं तो हम खुशी से मामूर हो जाते हैं। रिस्पांस को उर्दू में क्या कहते हैं? The joy from the bottom of your heart। रिस्पांस को उर्दू में क्या कहते हैं? It's like this. Oh, thank God you love me so much. Thank God you love me so much. Oh, खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तू बहुत मुझसे प्यार करता है. Thank God your love is so great. तेरे इस फसल के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ. You have a wonderful plan for my life. और तेरे पास एक बेहतरीन मंसूबा है मेरी जिंदगी के लिए. I'm so happy. मैं बहुत खुश हूँ. Let me tell you. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. Every day I respond with great joy to God. हर रोज मैं अपनी खुशी का इजहार जो है वो करता हूँ। Because God is so good. क्योंकि खुदा बहुत खुश है। So every day I rejoice. और हर रोज मैं खुशी मनाता हूँ। क्या मतलब है? नहीं, response का मतलब होता है उसको आगे से जवाब देना। So when you respond with joy and appreciation of God, you'll be filled with joy. जब आप उसको उसी तरह से response देते हैं, तो आप खुशी से मामूर हो जाते हैं। And you say, there is no one like God. और फिर आप ये कहते हैं, खुदा के मानद और कोई नहीं है। God is so wonderful. खुदा बहुत अजीब है। I'm so happy to have God. और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास खुदा है। So I hope you all live like that. और इस तरह से उम्मीद रखें कि खुदा आपसे प्यार करता है। So distinguish the prayer of grace. इनके फजल की दुआ। And that worshipful prayer. और फिर स्पाइस से भरी हुई दुआ। Thank God, Hallelujah. खुदा का शुक्र हो, Hallelujah. Praise the Lord. खुदा की तारीफ हो। Those are worshiping God. और ये प्रस्तुति और सुताइश के अल्फाज हैं। And also you declare, God loves me. और फिर आप इस बात को बयान करते हैं, खुदा मुझसे प्यार करता है। And when you say, God loves me. और जब आप ये कहते हैं, खुदा मुझसे प्यार करता है। At the same time in the heart you say, I have reasons to be happy. और फिर आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक वजह है कि मैं खुदा से मैं खुश रह सकूं। I'm happy because I'm special in the sight of God. और मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं खुदा की नजर में स्पेशल हूं, खास हूं। God has a wonderful plan in my life. खुदा के पास मेरी जिंदगी के लिए बेहतरीन मंसूबा है। So I'm very happy. और मैं बहुत खुश हूं इस बात से। Okay, now this talks about distinction of grace and the law in our relationship to God. और ये फसल और शरीयत के दरमियान हमारा जो रिश्ता और ताल्लुक है खुदा के साथ, ये उसकी बाबत है। The next point I'll talk about relationship with people, applying the grace and law. और इससे अगला जो पॉइंट है वो ये है, लोगों के साथ हमारा ताल्लुक, इनके ये जो शरीयत और फजल है इसके मतहत मतलब लोगों के साथ हमारा ताल्लुक। How we talk to people, you know, उससे बात किस तरह से की जाए? Sometimes it's grace. बाज़ुकात ये फ़ज़ल है। Sometimes it's law. लेकिन बाज़ुकात ये शरीयत है। And a law has two functions. और शरीयत है उसके दो फंक्शंस हैं। It's telling, saying what to do. और पहला जो है वो ये है कि तुझे क्या करना है। And also condemnation. और उसके साथ अदालत भी है। We have to distinguish this. और अगर तू ये नहीं करेगा तो तुझे सज़ा मिलेगी। Now I use illustration because the Bible talks about that we, you know, our words. Would you know? Do not cause your children to be angry. The Bible said that. और Bible का तो समय ये भी सिखाती है कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ. And the Bible also said, love each other as I have loved you. ये भी सिखाती है कि एक दूसरे से मोहब्बत करो. And one action of love is to say words of grace. और एक मोहब्बत का जो काम है, वो हमें
फसल सिखाता है, इनके मोहब्बत का एक काम अगर हम कर लेते हैं तो वो हमें फसल की तरफ ले जाता है। Words of grace will be like this. और फसल का जो कलाम है वो इस तरह से होगा। I'm so happy to have you. मैं बड़ा खुश हूँ कि तू मेरे पास है। I'm happy to know you. तुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। Because I know you, I can come here. और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। रसीद इंजी के लिए मैं उठ जा सकता हूँ। You are special. आप खास हैं। जो तो सालों बुलाने पर मैं उठ जाते हैं जितना। I'm willing to help you. मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तेरी मदद करूँ। When you do well, I'm very happy. और जब तू अच्छा काम करता है तो मैं और भी खुश हो जाता हूँ। And God will help you to do better. और मैं ये चाहता हूँ कि तू इससे भी बेहतर काम करे। God can raise you up to be a powerful person. और खुदा आपको उठा खड़ा करेगा कि आप एक कुवत से मामूर शख्सियत बन जाए। And one word Spanish people don't say, I love you. और एक लफ्ज में यहाँ पर बोलने लगा जो पाकिस्तान में बोलना बड़ा मुश्किल है। यहाँ I care about you. मुझे तेरी फिक्र है। I miss you. I miss you. I think about you. Well, you see your wife? Yeah, I think about you too. Before I came, I think about you. हम एक दूसरे की बाबत ऐसा सोच सकते हैं कैसे? Now these words make people feel good, right? और इस तरह से लोग जो हैं वो अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है? Let me ask you, do you hear this from people often? क्या ऐसा आपने बहुत मर्तबा लोगों से सुना? नहीं। Do people say to you much? Oh, good to see you. क्या लोग आपसे बड़ा ही कहते हैं? तेरे को मिलके बड़ी खुशी हुई। Happy to see you. तेरे को मिलके बड़ी खुशी। मुंह तो कहते हैं ना कुछ और नहीं। So good to be with you. और अच्छा महसूस हुआ आपके पास आओ। God loves you. खुद आपसे प्यार करता है। I care about you. मुझे तेरी फिक्र। Do people talk like that? क्या इस तरह से लोग कहते हैं आपको? Sometimes. But do you hear that much? Or do you hear people? हर वक्त ऐसा होता है ये। You know. हर वक्त ऐसा नहीं होता। After marriage, many husband or wife will talk to each other like this. Bring the water to me. शादी के बाद जो उसे सिखाए जाते हैं। And then there is another kind of words. और इसके साथ और भी अल्फाज हैं। You did not do so well. तूने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। You did not listen to me. तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। You are not a good husband. You are not a good wife. तू चंगी बुढ़ी नहीं, तू चंगा बंदा ही नहीं। What are these words? What are these words? ये अल्फाज क्या है? What are these words? ये अल्फाज क्या है? जाओ। The three. आपने ये जो कसूरवार ठहराए जाने वाले अल्फाज हैं अपनी जिंदगी में ज्यादा सुने? इससे ज्यादा और अल्फाज बोले नहीं जाते। People use words of condemnation more than any other kinds of way of speaking, right? और लोग जो हैं ज्यादातर अल्फाज ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। Why? क्यों? Because people are sinful. क्योंकि लोग गुनाहगार हैं। Because people always like to accuse. क्योंकि वो हमेशा आप पर इल्जाम लगाते हैं। People have the natural tendency to do what Satan does. उनकी फितरत ये है कि वो दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं कि तुझे क्या करना चाहिए। It's a sinful nature to accuse. और हमारी गुनाह आलूदा जो फितरत है उसी के सबब से हम दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं। Now sometimes people think like this. बाज़ुकात लोग इस तरह से सोचते हैं। If this represents a child. मिसाल के तौर पर ये एक बच्चा है। And people think if they talk to the children like that, then they will be better. और लोग ये समझते हैं कि अगर मैं इस तरह से बच्चों से बात करूंगा
तो वो अच्छा महसूस करेंगे या उनका मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा. They might say, "You're so dumb." तुम बड़ा ही foolish. बेवकूफ है. You're no good. तू ठीक नहीं है. You never learn it. और तू सीखता ही नहीं. You did not obey me. तू मेरी ताबेदारी नहीं करता. Do people talk to children like that sometimes? बच्चों के साथ ऐसा ही हमारा सलूक होता है. When you say you're foolish, does it make them wiser? जब आप ये कह रहे हैं कि तू है ही बेवकूफ है, तो क्या कभी वो अकलमंद हो सकता है? माँ खुद तो कह रही है. It makes them feel discouraged. इससे हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं या हम उन्हें क्या कहें डिस्करेज करते हैं. Let me ask you, do the words of people discourage you? क्या लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आपके हौसला अफजाई नहीं करते हैं? Do you get more discouragement or encouragement from people? आपकी हौसला अफजाई होती है या रास्ते को फिर आ चलाने चाहिए. What did you say? No, I asked about discourage. Okay, so do they say more words of discouragement or encouragement? आपकी वो हौसला अफजाई करते हैं या आपको दिल आसान करते हैं? Which one more? क्या करते हैं? बच्चे हम पहुंच रही हो मैं तो सर मैं तो बता सकता हूँ एक बार क्या मैं सो सर मेरा टीचर से मैंने जिनों को लास्ट वाले मैंने तो तुम कुछ कहीं नहीं समझ पाया ना मैंने तो पिछों ला रही है तू पढ़ता ही डिस्करेज मी ऑल द टेंडेंसीज यू कैन डू एनीथिंग यू आर नॉट गुड इनफ यू हैव नो future of right. So after some time, like 7 or 8 years later, he just saw me. I was walking down on the street and he saw me. He said, "Oh, you are a bishop. You become a bishop. Oh, praise the Lord." So after that, I just requested him to come at my home and we were sitting for the tea, a cup of tea. So he called at home and he spoke to his family. That, do you know that I'm sitting with a very good and big personality it's sitting next to me. So what is that? So on that time he was just discouraging me, but then I grew up and it was the purpose of God and God made me like this in this position. Yes. Yes, thank you for this illustration. So it happens very often. People thought that when we say words of accusation will make people turn better. और ये बहुत मर्तबा ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है कि जब लोग हमारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. Does God use words of discouragement on people? क्या खुदा ने कभी लोगों की दिल आजारी के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? Does God say you're no good? क्या खुदा ने कभी ये कहा है कि तू ठीक नहीं है? When a prodigal son comes home, does the father say, "Well, where did all the money go to? You're no good"? और क्या जो मुसरफ बेटा था जब वो अपने बाप के पास वापस लौटा तो बाप ने उसे रुपए पैसों का हिसाब लिया था कि तेरे पैसे कहाँ गए? But instead, the father just hugged him and kissed him. और जो बाप था उसने अपने बेटे को गले लगाया और उसको चूमा दीक्षा भर के आगे का दिवालिया and gave him good gifts. और उसने उसे अच्छे तोहफों से नवाजा. That is how God is. और यही तो खुदा है. I know that in many cultures it's very common for people always to tell people what to do and accuse people. और बहुत सारे जो माशरे हैं जो हमारे जो कल्चर्स हैं उनके अंदर हमें लोग मिलते हैं कि जो लोगों को बताते हैं कि मुझे ये करना है और उसके बाद लोगों पर इल्जाम लगाते हैं. And I have, you know, heard about in your culture there are some ways of, you know, behavior that's very common. मैंने आपके कल्चर के बारे में सुना है कि बहुत सारे रवैये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो तकरीबन एक जैसे. And I want to say something about this custom, and I hope you will take it in a positive way. और मैं आपके जो यहाँ पर सकाफत है उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको मुस्बत अंदाज में लेंगे. I heard that in your culture, when a woman is married into a family, the woman has to serve
the in-laws, all the family members, all day long. और मैंने जो सुना है वो ये है कि जब किसी बेटी की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल में जाती है, तो सारे ससुरालियों की उसको खिदमत करना पड़ती है. And I want to ask you, when you ask that woman to do something, how do you say it? और मैं ये सवाल पूछता हूँ कि जब आप उस बहन से जिसकी शादी उसे कोई काम करने के लिए कहते हैं तो किस तरह कहते हैं? Do you say you did not do a good job? और क्या आप जब उसको क्या ये कहते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया? You're lazy. आप बहुत सुस्त हो. Hurry up and do it. और आपको पता ही नहीं कि कैसे करना है. You do this, do that. और इस तरह करो, उस तरह करो. ये तो आपको सारा पता कि कैसे यहाँ पर होता है. Do you talk like that to the woman who get married into your family? और क्या जो बेटी ब्याही आपके खानदान में आती है, आप उसके साथ इसी तरह बात करते हैं? Does that show that you are God loving Christian? और आप ये देखिए कि वो उससे भी खुदा प्यार करता है और वो भी मसीह की प्यार करने वाली बेटी है. If we love God, we can say something like this. और अगर हम खुदा से प्यार करते हैं तो क्या हम ऐसे अल्फाज कहेंगे? Oh, please do this for me. क्या हमें यूं कहना चाहिए, मेहरबानी से ये काम कर दीजिए. Thank you for doing that to me. और इस तरह कहिए मेरे लिए ये कर दे. You are doing well. और उससे ये भी कहिए कि आपने बहुत अच्छा किया, very good. तुम्हें शाबाश भी देकर देख ले. Do you say something like this to the woman who got married into your family? और जो बेटी ब्याही आपके घर के अंदर आती है, क्या आप उसके साथ इस तरह अच्छे रूपये से पेश आते हैं? Now I would like to repeat after you when I say this. जब भाई कुछ कहने लगे मैं तर्जमा करूँगा तो आपने वो मेरे पीछे कहना. Please do this for me. अब आपने मेरे पीछे कहना, मेहरबानी से ये मेरे लिए कर दीजिए. Thank you for doing it. बहुत शुक्रिया ये काम करने के लिए. You are doing very well. आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. Okay, इधर मुंह करके कहिए. अब यो तुसी भी आपको, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं. I thank God I have you. और ये कहिए कि शुक्र है खुदा का कि आप मेरे पास हैं. You're a wonderful person. आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छी शख्सियत है. आप जरा जोर से कहिए, आप आराम से कहिए. It's blessed to have you in this family. और इस खानदान में आपका आना हमारे लिए बाइसे बरकत है. कहिए. I like you. मैं आपको पसंद करता हूँ. I'm so happy to have you here. और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप यहाँ पर हमारे घर में आई हैं. Can you start to say things like this? क्या आप इस तरह से बातें कहना शुरू करेंगे? Is it very hard to say? क्या ये मुश्किल काम है इस तरह से कहना? Let me ask you, when you say thank you, मैं आप एक और बात आपको बताता हूँ. जब आप कहते हैं शुक्रिया, or when you accuse and say you did not do well, या दूसरी बात जब आप इल्जाम लगाते हैं, आप कहते हैं इन्हों काम करना ही नहीं होगा. इसे पता नहीं किस वक्त पे आई है. Is it more difficult to say thank you? कौन सा काम मुश्किल है, ये कहना कि बहुत मेहरबानी शुक्रिया? Is it difficult to say I like you? तो दूसरा लफ्ज ये है कि आप ये कहें कि मैं आपको पसंद करता हूँ. Or just is it difficult to say I'm happy to have you here? या उससे भी मुश्किल क्या ये है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि आप हमारे घर में हैं. Let me ask you, is it difficult? क्या ये मुश्किल है? Is it difficult? क्या मुश्किल है ये? No, but why are we not willing to say it? लेकिन क्या हमारे साथ मसला क्या है, क्यों हम ये कहना पसंद ही नहीं करते? हमारी मर्जी नहीं होती कि किसी ने कुछ चंगा लफ्ज भी मुंह चौकार दे. Because of our sinful nature. क्यों सबब ये है कि हमारे अंदर गुनाह की फितरत मौजूद है. We want to step down on people. और हम पता क्या करते हैं, उन्हें चंगा काम भी किया ना तो उन्हें ऐसी दिया गल्ला करनी है कि वो बेचारी थले नहीं थले लगी जाती है.
We want to control people. और हमारे अंदर ये भी फितरत है उसको कंट्रोल करें हैं नौ बच्चा पानी जो सांस दूर तीन फुट दूर बैठी होने पर छह फुट तो उठो कहीं ना पौधियां पार दी गई And without knowing it, we want to make people feel unhappy. और हम इस तरह से जब बताते हैं तो फिर लोग ना खुश होते हैं. Now, does God like that? क्या खुदा ऐसा पसंद करता है? Does God like us to say you're no good? Does God like that? क्या खुदा ऐसा कहता है कि नहीं तू अच्छा नहीं है? Does God like that? क्या खुदा पसंद करता है ऐसे? नहीं. You know, the more we follow God, the more God will bless your family. और जितना आप खुदा के पीछे चलेंगे, उतना खुदा आपके खानदान को बरकत देगा. If you want God to do greater things in this area, अगर आप चाहते हैं कि खुदा इस इलाके में बड़े काम करे, first we live in the love of God. और पहली बात हमें खुदा की मोहब्बत में कायम रहना पड़ेगा. Enjoy the love of God. और खुदा की मोहब्बत. And I hear things like you're lazy. And I might say, I'm not lazy, but you always think I'm lazy. लेकिन मैं मिसाल देकर समझा रहा हूँ. मैं कह रही हूँ, मतलब ये कह रहे हैं. And you make me. मैं लेकिन लापरवाह नहीं हूँ, सुस्त नहीं हूँ. And you make me work all day long. और सारा दिन जब मेरे को काम कराते हैं, यही नौकर की दुनिया है, इतने नौकरानियाँ ले आते हैं. Would it make her a happy woman? और क्या आप उसको खुश औरत बनाएंगे? Would it make her a happy woman? क्या आप उसे अपने घर के अंदर खुश बेटी बनाएंगे जैसे अपनी बेटी को खुश करते हैं? क्या बहू को खुश करेंगे? When she comes to your family, does she see Jesus? क्या जब वो आपके खानदान में आएगी तो क्या वहां पर वो यीशु को देखेगी? Or does she see sinners? Sinners, they see sinners. या वो आपके घर में आकर क्या गुनाहगारों को देखेगी वहां पर? They would say, all this say, you know, people they say, the Christians men always say, you're no good, you're foolish, you can do nothing. Always hear these negative words. और आपको ये पता है कि लोग जब मसीहों को देखते हैं, इन्हीं हालतों की वजह से कहते हैं, बेवकूफ हैं, निकम्मे हैं, इनको अकल है ही नहीं है. और मत भी लफ्ज ही कहते हैं. Does it make your family a Christian family? क्या ये जो हमारी अच्छी अच्छी इतनी अच्छी हरकतें हैं, क्या इसकी वजह से हमारा खानदान अच्छा कहलाता है, मसीही घराना या कि बुरा कहलाता है? A Christian family is a family where we always enjoy the love of God. और मसीही फैमिली तो वो है जहाँ पर हम सब मिलकर खुदा की बरकतों के साथ लुत्फ अंदोज होते हैं. That we always say words of grace to people. और हम ये कहते हैं कि We always want to say words of grace to people. Words of blessing. हम मसीही खानदान होते हैं और दूसरों के लिए फजल के और बरकत के अल्फाज कहते हैं. Whenever we see someone, we want to bless the person. और जब हम किसी शख्स को देखते हैं या उस बहन को बेटी को देखते हैं तो क्या हम उसके लिए बाय से बरकत बनते हैं? Always have this heart to bless. और हमारे अंदर ऐसा ही दिल होना चाहिए जो दूसरों को बरकत देने वाला हो. Yesterday I saw some youngsters in Bishop's home. कल मैंने कुछ नौजवान लोगों को बिशप साहब के घर में देखा. Well, I asked them, which of you can speak English? मैंने पूछा आप में से कौन अंग्रेजी बोल सकता है? And a couple of them said they can speak English. और उनमें से कुछ नौजवानों ने कहा जी हम बोल सकते हैं. And I listened to them. और मैंने उनकी अच्छी सी इंग्लिश सुनी थी. I talked with them to encourage them. और फिर मैंने उनसे बात की और उनको हौसला दिया. And last night after I prayed for the young people, some of them stayed behind and talked to me. और फिर उसका असर ये हुआ कि कल रात भी जब हमने नौजवान लोगों के लिए दुआ की तो वो मेरे साथ ठहर गए ताकि वो मुझसे बात करें. And I said to them, you are good. और मैंने उनसे कहा आप बहुत अच्छे हैं. You love God. आप खुदा से प्यार करते हैं. God will use you greatly. और खुदा आपको बड़ा प्यार करता है. I always say positive words to people. और मैं इस तरह के अच्छे अल्फाज लोगों को कहता हूँ. When I look at people, I see everyone has potentials. और जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उनके अंदर कोई ना कोई काबिलियत है. Each of you are important. और आप में से हर कोई जो है वो बड़ा अहम है. That's why I want to go to different countries to bless people. और इसीलिए तो मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाना चाहता हूँ ताकि जाकर लोगों के लिए बाय बरकत बनूं. Because you are all important. क्योंकि आप सब खुदावन की नजर में अहम हैं. Can
क्या हम ऐसे रह सकते हैं? Always see each person is precious. और हमेशा देखिए कि हर एक शख्स जो है वो बड़ा अहम है. The woman who is married into your family is important too. और जो औरत ब्याही आपके घर के अंदर आई है उसकी भी बड़ी अहमियत है. खुदा के तेज का दे रहे पाकिस्तान से क्या बात है. Don't treat her as a slave or a servant. हाँ, जैसे बहू जब ब्याह कर हम घर में लाते हैं या बीवी लाते हैं तो उसको गुलाम की तरह नौकर की तरह ट्रीट ना करें. इधर तो शादी ऐसी होती नहीं, घर से काम करने वाली कोई नहीं. Make her feel happy living in your home. और उसको जब वो घर के अंदर आती है तो उसको ऐसा करें कि वो घर के अंदर आकर खुश हो. ये कुंवारे लोगों के लिए भी जरूरी ऐसी बातें सीखना. सैम घर से तो आया यहाँ पर. When you love people like that, do you lose your blessings? When you love people, care about people, do you lose blessings? याद रखिए कि जब आप लोगों की फिक्र नहीं ना करते, बहू की या किसी की, तो उनकी भी बरकत खत्म होती है और आपकी भी बरकत खत्म हो जाती है. You won't. Actually, the Bible says, give and it will be given to you. और भाइयों को कदर सुने इसीलिए तो कहें, दिया करो तुम्हें भी दिया जाए. With full measure. और पैमाना दबा दबा कर. Shaken down. दबा दबा कर पैमाना भर कर दें. All the blessings from God will be given to you. और उसी तरह खुदा की बरकतें भी आपके पास आएंगी. Can we live like that? क्या हम ऐसे जिंदगी बसर कर सकते हैं? Always live in the love of God. और हमेशा खुदा की मोहब्बत में इसी तरह कायम रहें. First, we say words of praise to ourselves all the time. और देखिए कि पहले देखें कि हमारी जगह कहाँ पर है. I'm loved by God. अब मुझे खुदा ने प्यार किया है. I'm important. मैं बड़ा अहम हूँ. God treasure me. खुदा का मेरे अंदर खजाना छुपा हुआ है. But we also see people, you are important. और दूसरों को भी देखकर जरा हौसला भड़ा कर दे, तारीफ करने वाला अपने अंदर चिकरा पैदा कर ले कि तू भी बड़ा अहम है. God treasure you. आप ही खुदा का खजाना है. You are important. और आप बड़े अहम हैं. You make the church a place full of love. और चर्च जो है, कलीसिया जो है, लोगों के लिए उसके अंदर प्यार पैदा करे. Your family will be full of the love of God. और आपका खानदान खुदा की मोहब्बत के साथ भरा होगा. And people will say, "Wow, it's so good to be following Jesus." और लोग भी ये कहेंगे, क्या एक खूबसूरत बात है, खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना. Now I want to revise again with you, so make sure you understand. और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे. Just now I talked about words of grace. और पहली बात जो आपने की है वो ये है कि फजल से मामूल अल्फाज, words of obedience, और फरमा बरदारी के अल्फाज, and condemnation, और फिर उसके बाद रद्द करने के अल्फाज. Now this is with God also, और ये खुदा के साथ भी है, and with people. के साथ भी है. Let me ask you now. मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ. I will say some words to people and see if you can distinguish whether it's grace or obedience or law. और मैं कुछ अल्फाज कहूँगा. Condemnation. आपने वो अल्फाज बताने कौन से हैं? क्या वो फजल के हैं या रद्द करने के हैं या वो शरीयत के हैं? So grace would be saying like God loves me. और जो फजल है वो इस तरह के, खुदा मुझसे प्यार करता है. God blesses me. खुदा मुझे बरकत देता है. I'm important in the sight of God. और खुदा की नजर में मैं बड़ा अहम हूँ. And saying words of grace to people would be. और इसी तरह ये अल्फाज लोगों को कहिए. God loves you. खुदा आपसे प्यार करता है. You're important. आप बड़े अहम हैं. You're precious. और आप बड़े कीमती हैं. God is a wonderful plan in your life. और खुदा का मंसूबा आपकी जिंदगी पर है. I'm so happy to have you. और मैं बड़ा खुश हूँ आपके साथ होने के साथ. So these are words of grace. और ये फजल के अल्फाज हैं. And then words of obedience. अब फरमाबरदारी के अल्फाज आ गए. To God would be like, thank God. और आप कहते हैं, खुदा तेरा शुक्र हो. I love God. मैं खुदा से प्यार करता हूँ. I love people. और मैं लोगों से प्यार करता हूँ. I obey God. और खुदा की फरमाबरदारी करता हूँ. Now to people would be like, now. You can say the words of grace in a better way too. You can say, please help me. और देखिए जो मदद के अल्फाज आप उसे कह सकते हैं मेहरबानी से. है वैसे आपने कदीम का आज क्या मेहरबानी करके चाय बना दे. Please do this for me. और मेहरबानी से कहीं मेहरबानी से ये काम मेरे लिए कर दीजिए. आज जरा प्रैक्टिस करें जाकर.
And there are better ways to say it too. और इससे भी अच्छे अल्फाज हैं. You can say, I'm so happy you washed the dishes for me. और आप ये कह सकते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कि आप मेरे लिए बहुत कीमती हो. I'm happy that you washed the clothes so clean. और बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे कपड़े बड़े अच्छे तरीके से धोए हैं. ऐसा ही होता है ना घर में. Now this put words of praise together with words of obedience. और देखिए ये जो फजल के अल्फाज हैं, फरमाबरदारी के अल्फाज के साथ ऐसे होते हैं. पता पानी का फिर चलता जब बीवी सामने बैठी होकर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. Words of praise would be, I'm so happy. और I'm so happy. And then the words of obedience is, I'm so happy you washed the dishes for me. You washed the dishes for me is obedience. और आप उसे कहते हैं, मैं बड़ा खुश हूँ आपने बर्तन अच्छे धोए हैं, मेरे कपड़े अच्छे धोए हैं, मेरे लिए बड़े काम किए हैं. Put the two together. I'm so happy you washed the clothes for me. और फिर और कहें कि आपने मेरे बहुत शुक्रिया आपने मेरे कपड़े अच्छे धोए हैं. I'm so happy you're hard working. और आप ये कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि आप बहुत मेहनत करती हैं. I'm so happy you're nice to me. और इस बात के लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करती हैं. Okay, so this is word of praise combined with words of obedience. आप देखिए ये दो अल्फाज हैं जो फजल के अल्फाज फरमाबरदारी के अल्फाज के साथ मिलते हैं. And then there is a words of condemnation which we don't want to use. और फिर रद्द करने के अल्फाज हैं जो आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते. From God will be like, God doesn't like you. और आप ये मत कहिए खुदा आपको पसंद नहीं करता. God punish you. खुदा आपको सजा देगा. You have no love. और तुझसे कोई नहीं प्यार करता. You don't want to say that. आप ये नहीं कहना चाहते. And then words of condemnation will be और to people. और जब आप लोगों को रद्द करने के अल्फाज कहते हैं, you're lazy, सुस्त हो, you have no love, और कोई भी तेरे अंदर प्यार है नहीं, you cannot do anything well, और कुछ भी अच्छा काम तो तू कर ही नहीं सकता या सकती. Now why do I want to practice this with you? और मैं ये क्यों आपके साथ इसकी मशक करना चाहता हूँ? It is hard to change that habit. क्योंकि ये मुश्किल है ये आदत चेंज तब्दील करना. I have counseled many couples. मैंने बड़े शादीशुदा जोड़ों की उनको मशवरा दी है. I found that many husband and wife say to each other things like this. और मैंने देखा कि बड़े ऐसे काबूत और बीवियां हैं जो एक दूसरे के साथ ऐसे अल्फाज कहते हैं. He never does things like that. He never cares about me. और वो कहती है इन्हें कभी मेरे मतलब फिक्र ही नहीं की थी जरा काम मैं के लिए वो करता ही कोई नहीं. He always yell at me. और हमेशा ये चीखता चलाता ही रहता. I don't like him. और मैं इसे पसंद ही नहीं करती. Or looks of condemnation. और या फिर ये है कि वो रद्द कर देती है. Would be like, oh, I don't want you. Oh. जा. Looks of condemnation. इसको मैं पसंद ही नहीं करती या करता. जा. लगी जा. Okay, now I'm going to ask you which one of these. So whether it's grace, obedience, or condemnation. अच्छा ये जो अभी मैंने आपसे जो कहा है, इसमें कौन सा फजल का है, कौन सा रद्द करने का है, कौन सा शरीयत का है? Okay, I'm happy to have you in this family. और मैं आपको अब आपने बताना है ये कौन से लफ्ज़ है. मैं खुश हूँ कि आप इस खानदान में आई हैं या आए हैं. What is it? Grace. Okay. Please wash the dishes for me. मेहरबानी से ये बर्तन मेरे लिए धो दीजिए. Okay. You are lazy. सुस्त. And this look. भाई वक्त आ गया. This look. What is it? And what is this look? भाई यदि मैं मुंह बनाए अगर एंजॉय होते फिर क्यों होएगा? What is it? वो उधर बड़े यार वो इधर नोट ना है. भाई दोस्तों ये क्या है? जो भाई ने मुंह बनाया था. Okay. हाँ जी क्या कौन सा? Condemnation. Okay. Now, let me ask you. मैं अब आपसे पूछना चाहूँ. When you go home, जब आप घर जाते हैं, pay attention to what you say. जो कुछ आप कहते हैं ना उस पर गौर तो करके देखें. Do you go home, do you say something like this? क्या आप इस तरह से कहते हैं? Go prepare a meal for me. Come quickly. आप कहते हैं, उठिए इधर, चिटिए इधर. एक काम कर दे मेरे लिए. You're too slow. एकदा एकदी सुस्त या एकदा सुस्त बंदा तू है. It doesn't taste good. एक ही बना नहीं मिर्चे ये नहीं हमें साड़ देती गई तेली कर दिया मजा नहीं आ रहा. Pay attention to words like this. ऐसे ये अल्फाज कहने से जरा गुरेज करें
It's easy to change. आसान है इसको तब्दील करना. You just say, please do this for me. Say, please do this for me. बिल्कुल इस तरह कहिए, मेहरबानी से मेरे लिए कर दीजिए. जरा पीछे कह दो सारे, मेहरबानी से मेरे लिए कर दीजिए. Thank you for serving me. और जरा आज जाके ना सारे बंधन बुंधन तोड़ दे, जाके कहना बहुत शुक्रिया मेरी खिदमत करने का. से बोल दो एकदम उसका लफ्ज जब शब्द आ गए, बहुत शुक्रिया मेरी खिदमत करने का. अच्छा मेरे पीछे आपने कहना मेहरबानी से ये काम मेरे लिए कर दीजिए. आपने ये कहना खाना बहुत मजेदार है. नौ कहना है, काहुल को कहना है, बीवी को कहना है, भैन को कहना है, भरा को भी कहना है. जिन्हें पकाया यही के पकाया नौ ने तो सौरे को कह देना है, फिर दूसरे तीसरे ने कह देना, उन्होंने कहना ही नहीं, वो मुंह पर रुपा ठीक है. आई लाइक योर फूड. आपने जो खाना बनाया बहुत मजेदार. कहिए आपने जो खाना बनाया बहुत मजेदार. Okay. Now, if the person doesn't do something very well, you can say something like this. और अगर उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं. You can say, well, I see a problem. What? How can we improve? आप ये कह सकते हैं, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है इसके अंदर, ये ठीक नहीं है, इसको कैसे हल करें? So discuss. How can we do better? आओ बात करते हैं, इसको कैसे अच्छे तरीके से करें? And then if they do better, you say, wow, it's good that you improved. और जब अगर वो अच्छा काम कर लेते या कर लेता, तो उसे कहे very good, आपने बहुत अच्छा काम किया है. You are doing better already. और आप जो है पहले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. So say things like this. इस तरह से बातें करिए. Let me tell you, I have put my teachings online and people all over the world watch my videos. और देखिए मैंने ये जो आपको सिखा रहा हूँ, मैंने ये इंटरनेट पर कोई डाल दिया हुआ है, ऑनलाइन है, और लोग पूरी दुनिया के अंदर मेरी ये तरबियत को हासिल कर रहे हैं. And people from different countries call me up to ask me to help them. और बड़े दुनिया में से बड़े लोगों ने मुझे कॉल करके कहा है कि हमारी मदद कीजिए. I have helped many people to love God more. और मैंने बड़े लोगों की मदद किया कि वो खुदा को ज्यादा प्यार करें. I have helped many people to have better families. और मैंने बड़े लोगों की मदद किया ताकि उनके खानदान अच्छे हो सके. So I hope you apply this to your life. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने आज सिखाया इसको आप अपनी जिंदगी पर लागू करेंगे. Words of grace from God. और खुदा के जो फजल के अल्फाज हैं वो कहिए. Words of grace to people. और फिर सिताइश के लोगों की भी तारीफ कीजिए. At this point, I'd like to pray and ask God to forgive you if you have mistreated someone. और अगर मैं यहाँ पर ये दुआ करना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी के साथ कोई बुरा सलूक किया, बुरे अल्फाज कहे हैं, मैं आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहता हूँ कि खुदा आपको माफ करे. If your attitude, your words are not good, ताकि हम तौबा कर सके. Oh Jesus, Hallelujah. यीशु तेरा शुक्र. Help us to live in your grace. हमें हमारी मदद कर कि हम तेरे फजल में काम करें. Always motivated by your love. और हमेशा अपनी मोहब्बत में हमें कायल करता है. We want to use the words of grace on ourselves. हम अपनी जात पर तेरे फजल के अल्फाज कहना चाहते हैं. And we want to use words of grace to other people too. दूसरे लोगों के लिए भी हम अल्फाज कहना चाहते हैं. Thank you, God. खुदावंद तेरा शुक्र. You are love. मोहब्बत है. प्लीज फॉरगिव आवर लैक ऑफ लव. हमने जो मोहब्बत में कमी की है, मेहरबानी से उसको माफ कर. इस वक्त खुदा से कहिए कि खुदा आपको माफ करे. And help you to change. और अपने आप को तब्दील करे. Then you say nice words to your husband or wife. और अपनी बीवी से या अपने खावन से अच्छे अल्फाज कहिए. To your in-laws.
और अपने ससुरालियों से भी अच्छे अल्फाज कहिए एंड टू योर चिल्ड्रन और अपने बच्चों को भी अच्छे अल्फाज कहिए इसकी मुनादी करें Not just one time. एक दफा नहीं
many times so that people know how to apply it to their lives. और ताकि आप इसको बड़ी दफा करें ताकि लोग जाने इस आयत को अपनी जिंदगी पर लागू कर इस lifestyle. ये जिंदगी ये तरसे जिंदगी बन जाना चाहिए. And preach it to yourself. और अपनी जात पर भी इसकी बुनियादी करें. So that every day you say, Oh hallelujah, thank God, I'm happy in you. और हर रोज भी आप ये कह सकें हालेलुया खुदा तेरा शुक्र हो मैं तुझ पे बड़ा खुश हूँ. So you live in the love of God. और आप खुदा की उस मोहब्बत में रह सकें. Then you'll be smiling more. ताकि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो. Hallelujah. Hallelujah. You preach it so much that it becomes part of you. और आप जो हैं इस किस्म की बातें करें तो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए. You hear the way I preach, I talk. आपने सुना है मैंने जिस तरह से आपको कलाम सुनाया आपसे बातें की हैं. How I smile and laugh. और मैं किस तरह से हंसा भी हूँ मुस्कुराया भी हूँ. It all shows that I'm living in the love of God. और हर रोज आप ये कहें कि मैं खुदा की मोहब्बत में जिंदगी बसर करता हूँ या करती हूँ. I hope that you're all living like that. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसी तरह रहते होंगे. Hallelujah. Hallelujah. Now at this point, if there is time, I'll pray for you so that you experience His peace. When you experience His peace, please put it in your mind. Keep remember God's word. और मैं अब आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि आप पूर्ण अल्फाज को याद रख सके जो खुदा ने आपको दिए और खुदा का इत्मीनान भी आपके अंदर रहे. And every day, spend more time enjoying God's love. और हर रोज खुदा के साथ वक्त गुजारे और उसकी शादमानी में लुत्फ उठाए. And be changed by God's love. और खुदा की मोहब्बत में तब्दील हो जाए. Now yesterday we prayed for many people. Does anyone want to come out and share what you experienced during the prayer? Anyone want to come out and share? और कल हमने आप मैंने बड़े लोगों के साथ जो था वो बड़े लोगों के लिए दुआ की है. तो आज अगर कोई तजर्बा कोई बयान करना चाहता है तो मेहरबानी से वो बयान कर सके. It will encourage the people here and encourage people all over the world. और आप जो है वो सारे लोगों को जो है उससे आप उनकी हौसला अफजाई